वेलकम बैक गाइस टू अनदर ब्लॉग। आज जो है 31st ऑफ अक्टूबर है और अभी बज चुके हैं 12 बजने वाले हैं, 12 बजने में 10 मिनट हैं और सब लोग अभी नीचे हैं। दिस इज़ आर लास्ट डे बिफोर दिवाली, बिफोर गोइंग टू होम। कल हमारी सुबह फ्लाइट है, अभी हम लोगों को पैकिंग करना है। यहाँ पे नीचे सब लोग मज़े कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। आज हम लोग बहुत सारा काम करने गए, कुछ शॉपिंग करने गए, मॉल गए थे हम लोग, उसके बाद हम लोग मसाज पार्लर गए थे, हेड मसाज के लिए सैलून गए थे, मसाज पार्लर नहीं है। अभी नीचे चिल हो रहा है और लास्ट नाइट है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग प्रोबेबली 2 वीक्स या 15 डेज के लिए घर जाने वाले हैं, उसके बाद दोबारा लौट आएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अपना पूरा सेटअप है। मैं अपना सेटअप तो बहुत मिस करने वाला हूँ। ये हमारा पूरा सेटअप जो कि हम इसको मिस करने वाले हैं एक तरीके से, बहुत ही लंबा चौड़ा ये, इसको मैं क्या ही मिस करने वाला हूँ। अभी हम लोगों ने अपना ये वीडियो जस्ट अभी अभी अपलोड किया है। दिस इज़ आर वीडियो, पहला वीडियो ऑफ द न्यू प्लेलिस्ट। आई गेव 30,000 rupees टिप टू डिलीवरी गाइस। ये ब्लॉग जब तक आएगा आप लोगों के सामने तब तक ये अपलोड हो चुका होगा। अभी हम नीचे जाएंगे और देखेंगे चिलिंग क्या चल रही है और हम भी उसमें से हिस्सा बन जाएंगे उस चिलिंग का। क्या कर रहे हो? बजी हुई है। ऐसे की अदला बदली चल रही है क्या? भाई वो गलती से ले ली। हेलो हर्षद मेहता। हेलो। नहीं गलती से ले ली, तब इसको बीआर तो दे दिया। हां हेलो, एक वो था भाई हर्षद गुजराती, एक तुम हो भाई। ये छोटे भाई हर्षद। अरे बिल्कुल वैसे ही लग रहा है हर्षद मेहता। अपनो धंधो मत से घट से नहीं। तुम्हें भी जाती आती है? हाँ यार क्या आती है? क्या था वो उसको आमिर तुम्हारे को? नहीं वो तो बंगाली है। वो तो बंगाली होती है। डाइटिंग मारी बहु अकर नहीं आती है। डाइटिंग मारी बहु अकर नहीं आती। ये बोल ये जानबूझ के इतनी तेज बोल रहा था कि हम पकड़ ना पाए। सही है, मारी बहु अकर नहीं आती। बहु कहाँ से आ गई इसमें? बहु नहीं मतलब बहुत अच्छी चल रही है डाइटिंग हमारी। बहु नगर नगर संक्रांति। क्या बोल रहा है? लड़ रहे तुम इससे? अच्छा भाई पता है क्या हुआ था भाई? यहाँ पे खड़े होके, इस जगह पे खड़े होके, और पहले वो फ्रिज बजाया है हमने, फिर उसके बाद एक जो है एक चप्पल फेंकी है सिंक के पास। चूहे का है ये? हाँ ये चूहा ही तो बोला है अंदर भाई। इतना सही है, मर्सी है भाई। इंजेक्शन लगा के उसको इतना भाई, वो शेर है। हाँ इंजेक्शन लगा के उसको इतना बड़ा कर दिया है भाई, इतना बड़ा है भाई। पहले तो वो पूरा आता है, उसके बाद उसकी पूंछ आती है पूरी। तुम सोचते हो ना नीचे क्या करते हो चूहे के साथ? भाई ये मर्सी को शक होता है मेरे को तो। कभी क्या शक होता है भाई? होता है दिल क्या? से होता है। हम तो तुम्हारा चूहा पकड़ के बैठे थे। कट करी है? कट एक इंच नहीं हिला है। कौन? अबे इसको उठा के पटक दो ऐसे। चल 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 हो जाए। मजा आया हल्का सा चुभा होगा, हल्का सा चुभा होगा, पूरा चीख निकल गया नाजुक बच्चे का। मेरे बैठ कर भाई, हम करते हैं ना। उठा ले, उठाओ उठा ले, उठाओ। हालांकि हमारी फ्लाइट अभी से हम 6 घंटे बाद निकलेंगे, लेकिन इनको देख लो ये अभी से तैयार है। भाई भाई जा रहे हो क्या? भाई बंद तो करो, चला जाऊं। भाई ये बैग वैग ऐसे कहे पहने हुए हो? अरे ये सब वायर निकाल रहा हूँ। अच्छा सुनो भाई, मर्सी बाई चांस अगर तू ब्लॉग देख रहा है भाई, यहाँ पे ना ये पड़ा है भाई, साफ कर दो भाई। ठीक है भाई, जब अभी घर जाएंगे तो बहुत सारी हम लोगों ने स्ट्रीम्स प्लान करे हुए हैं कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों के स्ट्रीम करने वाले हैं ऐसी। घर जाके तो वो फीलिंग आती है। हाँ वो कैंप पे है, पर अभी मैं बता सकता हूँ, अभी आंटी के लैप पे सोया था, मतलब आंटी अभी नीचे। हाँ। तो आंटी ने सर पे ऐसे किया और भाई जो मम्मी का याद आया उस टाइम पे बोला। हाँ। जाना ही है भाई। भाई कल तो सबसे पहले जाके मैं तो अपनी मम्मी के पास जो है भाई लेट जाऊंगा नहा के। मेरे को पता है अभी मैं ऐसे ही सोच रहा था बैठ के, तो मेरे को ये हो रहा था कि मुझे अपने अपने शहर की रोड्स की याद आ रही थी। तो हाँ तुम्हारा ये लेके जा रहा हूँ। ठीक है भाई रोना मत। एक तुम्हारा एक और पड़ा हुआ है, छोटा तोड़ दिया था मैंने।
तो अभी मुझे भाई सब याद आ रहा था, अपने घर की सारी रोड वगैरह याद आ रही थी, तो उसमें इतना मज़ा आएगा यार जब दोबारा घूमने मिलेगा। लेकिन यार वही होता है यार कि जब हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो घर जाने की याद आती है, और फिर जब वहाँ होते हैं तो फिर ये होता है यार चलो गेमिंग हाउस चलते हैं। हम लोग इसी में ही कन्फ्यूजन में रह जाते हैं यार हमेशा। एयरफोन भाई जो भी जो यहाँ से ब्लॉग देख रहे हैं, मेरा एयरफोन ढूंढ दो भाई, खो गया भाई। अजीब हालात है भाई, अपने ब्लॉग भाई, ये ब्लॉग है, ये कोई मैसेजिंग ऐप थोड़ी है भाई, यहाँ पे मैसेज छोड़े चले जा रहे हो तुम जब से। ठीक है हो गया, तो मेरा चार्जर भी हो गया आईफोन का, प्लीज ना। अजीब हालात है भाई। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सूटकेस पे, पहले वर्क करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर इस एरिया में आएंगे पूरा। खैर अभी के लिए हम लोग शुरू करते हैं। भाई देख रहे हो गाइस, अभी हम लोग पैकिंग ही कर रहे हैं और नमन माथुर जा रहे हैं, सुबह हम लोग अर्ली निकल जाएंगे तो हमसे मिल भी नहीं पाएंगे। अभी मिल रहा हूँ, तो अभी मिल के जा रहा हूँ, और फिर जो है फिर अब मैं सीधे 15 तारीख को मिलूंगा, 16 तारीख हम सुबह इसको आएंगे 5:30 बजे लात मार के उठा के जाएंगे। चलेगा? चलेगा, फिर ठीक है। हमारा सूटकेस इज रेडी, भारी हो गया यार, बहुत कपड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा। याद करेगा भाई? किसको? मेरे को। हाँ मिस करेगा मेरे को? सबको मिस करेंगे। सुन मैं कह रहा था, जब बाबा का ब्लॉग आएगा ना ये वाला, तो एक मैसेज है। हाँ ठीक है, वो देख लेना। किसको मैसेज है? हाँ तेरे को ही है। ठीक है, अब अगर से चिट्ठी कर नहीं पाएगा। भाई मैं तुम्हें एक बात बताऊं, क्या करते हैं ये ये जब भी वो कोई बात करनी होती है ना पीछे मुड़ के देखते हैं। भाई तुम तो अपनी स्क्रीन पलट लेते हो। भाई मेरा तो 3 मॉनिटर लगा हुआ है, मैं तो पलट भी नहीं सकता, उसमें चिपका हुआ है। सुनो शर्म करो गाइस, आज क्या हुआ, मैं वेलो खेल रहा, एक स्क्रीनशॉट आया मेरे पर उड़ता हुआ, वहां पे मामा मेरी पीसी में ऐसे देख रहे हैं और मैं ऐसे देख रहा हूं, और एक चीज नोटिस करिए, देख के तूने नोटिस करिए, मैंने तो नोटिस करिए, मर्सी देख जा, हम 4-5 लोग रहे, ठीक है 4 लोग रहे, नहीं हाथ कमजोर है ना, हाँ हमारे हाथ कमजोर है ना, भारी है, अरे वो 2 हाथ से पकड़ेंगे। हाँ तो जहाँ हम 3-4 लोग रहे, पर हम सिर्फ 2-3 लोडों से मिल रहे हैं, तो जो बचे हुए हैं, पर हमने ये चीज नोटिस नहीं करी कि हम सब अलग होंगे एक एक करके। हाँ हम सब एक दूसरे से अलग होंगे, तो अब मैंने डिसाइड किया कि मर्सी से नहीं मिलूंगा भाई, हो गया बहुत मिल लिया, अब बाबा से बात करूंगा। कुछ कहना है आपका इस बारे में? नहीं बोल के दिखाओ कुछ, कर लो बात, क्या हो गया ऐसा डेट से? अपना ही आदमी है, कर लो बात। अपना आदमी बोला तो अच्छा भी लगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बिल्कुल छोटे नॉर्मल औकात, नॉर्मल हां छोटे से हो गए थोड़े से। अपने 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 क्या बोला चाहता है? इसका मतलब है अपना ही आदमी है। ये तो अपना ही आदमी है यार, ऐसा ऐसा भाई ये बोला चाह रहा था, मुंह पे बोल देना, बोल दे पहले, ये अपना ही आदमी है, अपना ही आदमी है, ये अपना ही आदमी है, ऐसा अपना ही आदमी, अपना ही आदमी है, दो अपना ही आदमी है भाई, भाई अपना ही आदमी है भाई, क्या कर सकता है। अब ये इसका वो मोमेंटम तेज हो रहा है, अपना ही आदमी है यार। अरे नहीं, अरे अपना ही आदमी है, मैं मुझे लग रही है अपना आदमी को लग रही है, तो भाई अपना आदमी है। हाँ तो लगा दूं तो भाई अपना आदमी, अपना आदमी को दर्द लग गया भाई। हाँ भाई, हाँ तो आप नीचे हम सो रहे थे, हमारा सर फट रहा था एकदम ऐसे, यहाँ से लेगी यहाँ से लेगी पूरा एकदम, किसी ने मारा एक पट पकट ऐसे करके, तो हम नीचे सो रहे थे, हमने कहा था 10 बजे सोने बैठे थे, हमें कहा था 11 बजे उठा देता, 11:30। हाँ तो ये बात आपसदारी में हुई थी, बाहर के लौंडे ने सुन ली, त्रिशूल ने सुन ली, आया बाबा के मुंह पे, मेरी आंख पे अपनी नाक मारी है, मुझे तेज गुस्सा आया, ताप के गया जैसे मेरी हाइट छोटी हो गई। अब इनकी फटती है बहुत ज्यादा डॉगी से, नहीं नहीं फटती नहीं है, अरे फटती नहीं है, नहीं नहीं फटती नहीं, वो फटती नहीं, जो फटती के ऊपर होता है वो होती है, नहीं नहीं इनकी इतनी बुरी फटी कि ये लाश की तरह, नहीं रीटेक तो होगा नहीं, लाश की तरह पड़े हुए थे, और इतनी बुरी फटी हुई थी मेरे यहाँ पे, डर के मारे यहाँ कंधे पे काट लिया। किसने? तुमने? मैं त्रिशूल था, मैं नहीं था। अबे जा साले, मुझे पता नहीं है क्या, अबे जा, अबे जा, यहाँ पे काटा है, और ये यहाँ पे ऐसे नोच रहा है, गधा कहीं का। अबे तो भाई
जवान कुत्ता किसी के लड़के के ऊपर चढ़ेगा तो क्या लगेगा उसको? अबे कुत्ता का आदत होता है दूसरे का चूमना एक दूसरे हर्षद कुत्तों का होता है यार। हाँ कुत्तों का होता है। हाँ कुत्तों का होता है। त्रिशूल कुत्ता ही तो है। त्रिशूल कुत्ता ही तो है। तो तुम क्या हो? तो गाइज यहाँ पे अभी बहुत सारी यहाँ पे बीसी हुई और मैं केतन माफिया यहाँ पे बहुत फन हुआ। अभी यहाँ पे हम लोग मजा करा, माफिया की थोड़ी टांग खींची गई, थोड़ी मेरी टांग खींची गई, फिर रेगा आ गए, थोड़ा ऐसे ही लास्ट जाते जाते एक अलग ही हर किसी के मन में खुशी है घर लौटने की। मैं ऑलरेडी सेट हो चुका हूँ एक तरीके से। अभी कुछ फाइल्स मैं अपने ड्राइव पे अपलोड कर रहा हूँ, ये सारा चीज़ अभी मेरे को पूरा सेट करना है। मेरे को ये लेकर जाना है, एक्सटेंशन लेकर जाना है, वहाँ पे घर पे काम आएगा। ये सारे चार्जर्स ले जाने हैं, ये माउस मैं लेकर जा रहा हूँ अपना कॉर्सेयर वाला, और पुराना वाला माउस यहाँ पे लगा के चला जाऊँगा। और बहुत सारा सामान है मेरे को पूरा सेट करना है। ये मेरा बैग है जिसमें मैं अपना ये शोल्डर बैग ये अपना अपने साथ कैरी करूँगा, और इसमें मैं अपने सारा वायर्स रखता हूँ, चाहे वो चार्जर हो, एलगाटो हो एंड ऑल ये सब। इस बार एक थोड़ा सा टेंशन मेरे को ये है कि हमेशा तो मैं एक शोल्डर बैग कैरी करता था बस, लेकिन इस बार मेरे को ये सूट भी कैरी करना है। ये सूट मैंने लिया था जब थक की बहन की एंगेजमेंट थी तब। तो अभी हम लोग पूरा अपना शोल्डर बैग को तैयार कर लेते हैं। ये वाला हेडफोन मैं यहाँ पे छोड़ कर जा रहा हूँ, ये मैंने रेजर का हेडफोन लिया था और मैं अभी इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ये दिक्कत है कि ये माइक जो है ये पूरे कमरे का साउंड उठाता है। तो अभी जब मैं वापस आऊँगा तो उसके बाद मैं एक एक्सटर्नल माइक लूँगा। मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, अपने साथ मैं हाइपर एक्स लेकर जा रहा हूँ, वो मेरे लैपटॉप पे बिल्कुल सही बढ़िया चलता है। मैं सारे बिगनर्स को, जितने भी लोग यूट्यूब पे हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं, जितने भी गेमर्स हैं या वीडियो कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं, उनके लिए हाइपर एक्स बढ़िया है, रेडी टू गो एक हेडफोन है। अब बैग सेटअप करेंगे और आई विल मेक श्योर कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि अगर मैं एक छोटी सी चीज़, जैसे मान लो एलगाटो ले गया, एलगाटो का मैं स्प्लिटर नहीं ले गया, और एलगाटो का स्प्लिटर जल्दी मिलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप किसी शॉप पे गए और आपको आपने परचेज़ कर लिया, बहुत मुश्किल से मिलता है। अमेज़ॉन पे भी मिलता है लेकिन बहुत ही कभी कभी अवेलेबल होता है, मोस्टली अनअवेलेबल ही दिखता है। तो इसलिए आई जस्ट जल्दी जल्दी पैकिंग शुरू करके ख़त्म कर लेंगे। 5:30 हम लोगों को निकलना है एंड इट्स ऑलरेडी 3:10। अगर हम लोग लेट निकले तो हम लोगों को सीट नहीं मिलेगी, और हो सकता है कि अपना टिकट अपग्रेड भी कर लें हम लोग फॉर सेफ्टी पर्पसेस, क्योंकि इकोनॉमी वाले क्लास में बहुत ही कंजस्टेड सीट्स होती हैं, इन द सेंस आजकल। पहले तो हम लोग तो मैं तो हमेशा ही, कभी मैंने इकोनॉमी से हट के कभी ट्रैवल नहीं किया, लेकिन अभी थोड़ा सा सेफ्टी इशू है, घर में बच्चे हैं तो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। तो लेट्स सी किस तरीके से होता है, और जल्दी पहुँचने का कोशिश भी करेंगे हम लोग। तो अभी चलते हैं, जल्दी से बैग को सेट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, मेरी पैकिंग पूरी हो चुकी है, सूटकेस भी पूरा जो है रेडी है, और मेरा शोल्डर बैग भी अब रेडी हो गया है। और 4:30 बज गया है, 4:30 हो गया है, 5:30 तक हम लोगों को निकलना है। तो अभी नहाने का तो इतना कुछ है नहीं क्योंकि अभी रात में नहा लिया था, सो आई एम गोना गो एंड वॉश माई फेस, फ्रेशन अप हो जाऊँगा। और तो उसके लिए अभी आई एम गोइंग टू यूज़ चारकोल फेस वॉश मामा अर्थ का। इसमें एक्वा है, ग्लिसरीन है, कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट है, एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर है, तो ये बढ़िया रहेगा एक तरीके से मेरे लिए। और चारकोल इज़ ऑलवेज गुड फॉर द स्किन। ये पीटा सर्टिफाइड है, मैं इसको पर्सनली इसको रिकमेंड करता हूँ, ये पीटा सर्टिफाइड है, कोई एनिमल टेस्टिंग व्हाट्सएवर इसमें नहीं हुआ है। और हैशटैग वोकल फॉर लोकल, इंडिया मेड है, सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये इंडियन मेड है, इसलिए आई प्रेफर दिस थिंग। ऑल्सो मैं इसके साथ मामा अर्थ का C3 फेस मास्क भी रिकमेंड करूँगा। अभी तो फेस मास्क मैं यूज़ नहीं करूँगा और आई विल यूज़ इट इन अलीगढ़। अभी टाइम है फेस वॉश करने का टू फ्रेशन अप क्विकली, के बाद हम लोग आई विल बी रेडी फॉर माई ट्रिप। हाँ, ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू बाय दिस, यू कैन ऑलवेज यूज़ द कोड mamba2020 ऑन mamaearth.in। ऑल्सो इट इज़ अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart एंड Nykaa। तो आप लोग इफ़ यू वॉन्ट टू अवेल, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और mamba2020 कोड यूज़ करना मत भूलना, mamaearth.in पे ही आप लोग अवेल कर पाओगे। तो जस्ट गो एंड ग्रैब द प्रोडक्ट फॉर योर सेल्फ। और भाई क्या हो गया, क्या हो गया है भाई, क्या हो गया? परफ्यूम मस्त है। अरे थैंक यू। और चालीस चौधरी, तुम तो 11 बजे निकलोगे?
रेडी हो चुके हैं और हमारा सामान गाड़ी के अंदर रखा जा रहा है, जैसे कि आप लोगों को बैकग्राउंड में दिख रहे हैं। उमंग जा रहे हैं हमारा सामान लेके। माफिया थोड़े से अपसेट हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, हालांकि ये उल्लू का पट्टा भी अभी 5 घंटे में खुद भी चला जाएगा, 3 घंटे में चला जाएगा खुद भी, इसका भी फ्लाइट है 11 बजे का। और यहाँ पे जो एक उदास बैठा है वो एक हमारा हाफ पैंट, हाफ पैंट, आर यू उदास, आर यू उदास? पूरा घर है इसके पास अभी। हाँ पूरा घर है भाई, ऐसे कैसे। रेगा भी अभी तैयार हो चुके हैं। रेगा एक यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके खड़े हो जाओ। हाँ ठीक है, तो बढ़िया लग रहे हैं, रेगा भी बढ़िया लग रहे हैं। और 5:30 यहाँ पे बज चुके हैं। अयान एज ऑलवेज लेट, ओपी इन द चैट, गोल्डी भाई अगर आप सुन रहे हैं तो यहाँ पे रेबेल ने हम लोगों को लेट करवाया है। रेबेल भाई आ जा यार, हालात देख लिए गाइस, इनको हाथ में लैपटॉप चला रहे भाई, क्या चलाते हुए जाओगे क्या? अरे अपलोड हो रहा है, ब्लॉग अपलोड हो रहा है भाई, क्या हो क्या रहा है भाई, ये क्या हुआ, क्या डिस्को में आया हूँ क्या मैं? यहाँ पे रेबेल का अभी तक सामान बंद नहीं हुआ है, गाड़ी बाहर निकल चुकी है अभी भी ना, अभी ये वो वाला मोमेंट चल रहा है जब हमें खुद को नहीं पता कि कुछ भूल रहे, बट घर पहुंच के ऐसा लगेगा ओह ये भी लाना था। गाइस ये होती है मोहब्बत, देखो हम 4 लोग इस गाड़ी में अभी आने वाले हैं और जगह नहीं होगी क्योंकि 3 लोग पीछे और एक आगे बैठेगा। पीछे डिक्की में एक्स्ट्रा सीट जो होती है वो हटा के पूरा स्पेस बना दिया गया है सामान के लिए। ये लड़का जो हीरा है, खाता कम पीता ज़्यादा है, ये लड़का पीता ज़्यादा है पानी भाई, पेट साफ रहे तो वो, ये लड़का जो है हमारे मोहब्बत के लिए, ये हमारी मोहब्बत के लिए उबर करके आ रहा है हमें एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए। और ये लड़का इतना इतना ज़्यादा मोहब्बत करता है कि ये नींद से उठने को भी तैयार नहीं था, कहता फक हमारा गाड़ी कौन हाथ लगाए ये बता, ये क्यों, चलो चलो भाई, चलो भाई। तो गाइस हम लोग यहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट, और मुंबई एयरपोर्ट एज ऑलवेज बहुत खूबसूरत है, बहुत भारी है, पहले बैग लेके चले, बैग ले लेते हैं, हाँ चलते हैं, चलो मेरे भाई चलो, हग कर लो, तो वैसे हम कर चुके हैं बहुत सारी। अरे दादा दादा, अरे दादा बगले नहीं दादा, अरे 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 ऐसे नहीं करना दादा, मिलते हैं, ख्याल रखिए। बार जब हम आएंगे ना तो हमें मैगी और कोल्ड ड्रिंक का कोई कमी नहीं चाहिए, नहीं भाई इनके लिए हम ऐसे नहीं लग रहा है, ये मास्क छोटा पड़ रहा है करके सामने नहीं। तो गाइज यहाँ पे जो हमारे 2 व्लॉगर्स हैं फंस गए, वो थोड़े फंस गए हैं काउंटर के अंदर, उनका हाथ लग गया था, पेट 2 किलो ज़्यादा बड़ा हो गया, केतन को 4 किलो दोनों को 4-4 किलो ज़्यादा निकला है पेट, वो सॉरी वेट। फॉरेन एक्सचेंज करवाना है दिल्ली मुंबई में, इनको गाइस करेंसी एक्सचेंज करानी है, मुंबई की करेंसी है इनके पास, वो दिल्ली में करानी है, कुछ एक्सचेंज मुंबई टू दिल्ली करेंगे, दिल्ली टू मुंबई करेंगे। रेट अभी थोड़ा महंगा है, ₹1.05 का, हाँ ₹1.05 का, हाँ ₹5 का। हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम यहाँ से ₹1.05 में खरीद लेते हैं, हाँ वहाँ जाके ₹5 ₹1 बेच देंगे, अच्छा अच्छा, फिर वहाँ से फिर यहाँ ले आएंगे और बेच देंगे, तो सुन प्रॉफिट हुआ ₹10 का, तो मैं कहता हूँ स्कैम 20 20। तो गाइस वेलकम टू व्लॉग अगेन, हम आ चुके हैं और ये हमारा चैनल है, ये हमारा चैनल है, ये हमारा चैनल है, हमारा चैनल है, ओके हाँ। ये वाला सेगमेंट लगा ना, मुझे मुक्का मारता रहेगा क्या मैं। हमारे आगे गिटारिस्ट जा रहे हैं जिनको सिर्फ गिटार पे ओम 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 बजाते हैं। एक एक उभरते हुए आर्टिस्ट को तुम दबा रहे हो, ठीक है, कम करा करो ना डांस और टिकटॉकर की तरह, ऐसे ही गिटार लेके चलेंगे बार भी 2-3 महीने में नहीं बजाया, सौ के बजाया, खुद ही बजते रहते हैं भाई, तुमको पता है नहीं मैंने कब कब बजाया, क्यों क्यों बजाया, कुछ सुनो कट घुमा के अपनी कोनी मार दी ना तो ही मर जाएगा, काश कट कर देना हर्षित, ये वाला तो कट नहीं होगा हर्षित, ये वाला कट नहीं होगा हर्षित, तुझे तेरी सैलरी की कसम है।
तो गाइज हम अभी आ चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं अपने दिल्ली वालों की। ये भाई हमें कुछ जा रहे हैं। गाइज हम लोग बेल्ट नंबर 2 पे आ गए, अपना सामान वहीं पे आ रहा है। अब हम लोग कम से कम नहीं तो यहाँ पे 2 से 3 दिन तो खड़े रहेंगे अपने सामान के इंतजार में। क्योंकि अपना आखिरी बात है ना, क्योंकि अपना तो बिल्कुल भाई बंधा हुआ है। कल गुजरातियों का ही टाइम चल रहा है भाई। मामा फिर गया चैलेंज में भाई, फोन गुज्जू बॉय का आ गया। लिविज चिक गुजरातियों का एज यूजुअल रहेगा। अरे यार कोरोना भाई भाई हाँ ये अब क्या करें, भूल गए होंगे, उनको लगा होगा किसी और का है। मैंने अभी डिसाइड किया है कि अभी हम लोग कुछ देर 10 मिनट बैठेंगे स्टारबक्स में, उतनी देर में हमारी कैब आ जाएंगी। हैप्पीएस्ट दिवाली टू यू गाइस, टू यू टू। हम मिलेंगे 15 दिन बाद। ओके हाँ ठीक है, बाय बाय। Because we are getting separated, so I am speechless. We are emotional. Ah, I'll miss you. पैसे फालतू आ रहे हैं क्या? हम आज कल ऊपर चलान वाले आ रहे हैं क्या? चलान वाले आ रहे हैं क्या? अच्छा ऐसा है क्या? मास ऊपर का मास। लेकिन खराब हो चुका है हमारे सामने, कौन आ चुका है? यार दिन बर्बाद हो गया है हमारे सामने। देखो लोन दे दो, भी स्टड बॉय सीधा अलीगढ़। सीधा अलीगढ़ तो अब कब मुलाकात? अब मुलाकात अब शायद दिवाली पे होगी। दिल्ली आऊँगा, दिल्ली आओ मजे करते हैं। हाँ सब मजे करते हैं। छोटू भाग गया? हाँ उसकी फटी दिया मुझसे। नहीं उसको घर जाना था। पहले हम लोग अलीगढ़ के लिए निकल चुके हैं, सब लोग अपने अपने घर निकल गए। ख़राब लग रहा है आफ्टर सो लॉन्ग अलग हो रहे हैं एंड ऑल, लेकिन अच्छा भी लग रहा है दैट आई एम गोइंग बैक टू माई घर, घर वालों के पास। अजीब सा लग रहा है यार, आदत सी हो गई 3 महीना 4 महीना हर कोई एक दूसरे के साथ खेलना, उठाना, सोना, रात में मस्ती करना, लेकिन घर जाने का तो यार सुख अलग ही होता है। चलते हैं अभी घर का मज़ा उठाते हैं, घर वालों के साथ रहेंगे 14 दिन 15 दिन एंड देन बैक टू वर्क अगेन। 14 दिन का छुट्टी मिला है हमें घर वालों के साथ एंड देन फिर उसके बाद हम दोबारा वापस आ जाएंगे बैक टू आर ओल्ड प्लेस, बैक टू ओल्ड स्केड्यूल सब कुछ। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें होना बाकी है, अभी जस्ट मेरा नया वीडियो नए सीरीज़ का अपलोड हुआ है, सो ऑलरेडी बहुत सारे लोग उस पर प्यार दिखा चुके हैं एंड मैं अभी कमेंट्स ही पढ़ रहा था। सो अभी भी इस 14 दिन में जो भी है सब कुछ उस पर भी बहुत सारी चीज़ें प्लान है, दिवाली के बहुत सारे प्लान हैं, दिवाली में वीडियोस के बहुत सारे प्लान हैं। अलीगढ़ चलते हैं एंड फिर घर वालों से मिलते हैं और चलते हैं अभी अलीगढ़। बाकी सारे लोग जो है अपने घर वालों को नहीं बताया, और किसी ने नहीं बताया, केतन ने नहीं बताया, रेबेल ने नहीं बताया, माफिया नहीं बता के जा रहा, रेगा ने अपने घर वालों को नहीं बताया, मुझे बताना पड़ा क्योंकि मैं वो लोग तो दिल्ली के हैं ऊबर करके जा सकते हैं, मेरा तो 3 घंटे का है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को अरेंजमेंट्स करवाने पड़ते हैं अपने वापस अलीगढ़ पहुंचने के। अगर दिल्ली होता काश यार मैं भी नहीं बताता, लेकिन खैर अभी चलते हैं घर पर। और सरप्राइज़ और नो सरप्राइज़, घर वाले तो खुश होते ही हैं यार मिल के। कुछ देर के लिए सोते हैं क्योंकि हम रात भर के नहीं सोए, दिन भर के नहीं सोए, और कल भी 1 बजे दिन से 4 बजे दिन तक ही सोए थे, और फिर उससे पहले 1 बजे से पहले पूरा वीडियो पे काम करवाता रहा, एडिटिंग चलती रही सारी चीज़ें। कल रात भी पैकिंग के साथ, पैकिंग से पहले एडिटिंग ही चल रही थी। तो अभी थोड़ी देर का एक छोटा सा नैप ले लेते ताकि घर वालों के पास जब पहुँचे तो थोड़ा सा फ्रेश रहे। हम मोटे हो गए। अरे आइए सो फाइनली हम लोग घर पे आ गए
और हालात और हालत देख के दोनों को आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या ही हो चुका है, कितना थक गए हैं। रात भर का मैं सोया नहीं हूँ, तो अभी मैं जाऊँगा नहाऊँगा, उसके बाद घर वालों के साथ मैं बैठूँगा। एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जो मेरे को बहुत दिल से अच्छा लगा कि मामा अर्थ ने इस बार एक इनिशिएटिव उठाया है कि आप लोग जब जब जो भी ऑर्डर मामा अर्थ से ख़रीदेंगे, व्हाट दे विल डू इज़ दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दे विल प्लांट। जो भी आप लोग ऑर्डर लोगे तो उसको वेबसाइट पे वो लोग लिंक कर देंगे और वो एक ट्री प्लांट करेंगे और वो आपको उसका जो भी लोकेशन होगा, जियोलॉजिकल लोकेशन होगा, और फिर उसके बाद जो भी स्पीशीज़ का वो ट्री होगा वो आपके नाम पे वो लोग लिंक कर देंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो इट्स जस्ट नॉट बाइंग द प्रोडक्ट, इट्स ऑल्सो डूइंग समथिंग टू द मदर नेचर। तो मुझे बहुत ही डीप ये उन लोगों का एक इनिशिएटिव लगा कि दे आर जस्ट नॉट everything about की जो है product आप लोगों तक पहुँचाना and everything, they are doing it for a cause also. So मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। So आप लोग जो है if you want to be a part of this great initiative, so go on and make yourself also a part of this. इतनी बड़ा स्टेप जो वो लोग ले रहे हैं मामाअर्थ वाले। सो अभी के लिए आई विल गो और आई विल गेट रेडी और मिलता हूँ आप लोगों से अगली कहानी में, अगले ब्लॉग में। टिल देन लव यू ऑल, स्टे सेफ, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड बाय गाइस, टेक केयर।